कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 3.3 निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 का सवाल मैं आज बताऊंगा और एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप अगर थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग होता है दूसरे अध्यापक से जब आप पढ़ते हो, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगा। तो इस वजह से मैं बेसिक लेवल से उठाऊँगा और सवाल तक आपको पहुँचाऊँगा, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, -4, -1, -1, -0, -2, -3, -5 स्थित है। पहले तो बताना ये किस चतुर्थांश में स्थित है, फिर क्या है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब कार्तीय तल पर अक्ष पे दर्शा देना है और दर्शाने के बाद बताना है कि किस चतुर्थांश में ये सब हैं। तो पहले मैं बिंदु लिख लेता हूँ किनारे पर, -2, -4, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, ठीक है, क्या -2, -4, फिर है 3, -1, ठीक है, फिर है -1, -0, फिर 1, 2 है, फिर क्या है -3, -5। तो भाई देखिए, सबसे पहला तरीका देखिए, कार्तीय तल बनाना है, लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितना खाना उस पर खींचना पड़ेगा, कितनी छोटी छोटी महीन महीन लाइनें खींचनी पड़ेंगी कंघी की तरह, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए शादी विवाह का समय चल रहा है, अब किसी के घर खाने पीने का इंतजाम करना, बाराती आने वाले हैं। अगर कोई कहता है कि भाई नहीं, 500 बाराती आएंगे, ठीक है, कहता है कि 500 बाराती आएंगे, तो जो खाने पीने का व्यवस्था करने वाले लोग हैं, घराती लोग ना, वो 500 की जगह पर कहेंगे नहीं नहीं 500 आएंगे बाराती, तो 550 का इंतज़ाम करके रखो, ठीक है। तो यानी जितनी लिमिट बताई जा रही है उससे थोड़ा ज़्यादा का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि भाई ये जो बिंदु है ना, इसमें लिमिट कितना है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें माइनस प्लस से मतलब नहीं, सबसे बड़ा अंक देखिए कौन है इसमें, 2, 4, 3, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 5, मुझे लगता है 5 इन सब में से सबसे बड़ा है। तो यानी लिमिट आपको पता चल गया 5, तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा का इंतज़ाम करिए, यानी 6-6 खाना बना लीजिए, घटेगा नहीं, 6-6 खाना बना लीजिए। तो भाई वाई अच्छा है ये और ये एक्स अच्छा है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया है अपर लिमिट कि मुझे 6-6 का खाना बनाना, मतलब 6-6 लाइनें छोटी छोटी खींचना कंघी तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कहोगे क्यों गुरुजी 6, 5 नहीं खींच सकते हैं, 4 नहीं खींच सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम लिमिट 5 है, तो उससे एक ज़्यादा खींच लो, घटे न, ताकि समझ गए ना, जैसे बाराती वाला सिस्टम में खाना घटे न बढ़ भले जाए, बेइज्जती न होके, ऐसे ही आप बना रहे हैं जब चित्र तो आपकी बेइज्जती न होके, मैं आपको समझा रहा हूँ मेरी बेइज्जती न होके कि भाई गुरु जी के समझाने नहीं आ रहा, बनाने नहीं आ रहा, समझे। देखो तो इधर भी अब 6 बनेगा, इधर 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बन गया। मैंने आपको बताया था प्लस दिशा माइनस दिशा क्या होता है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे आप चतुर्थांश के सामने खड़ा हो जाइए, हाथ उठा लीजिए, तो दाहिना हाथ आपका प्लस दिशा में है, कौन दिशा, प्लस। अब दाहिना हाथ थोड़ा और ऊपर उठाओ ऐसे, तो ये भी प्लस रहेगा, ठीक है, ये भी प्लस दिशा। अब दाहिना हाथ दो बार उठ गया तो इसको छोड़ दीजिए, बाएं हाथ पे आओ, बाएं हाथ क्या माइनस दिशा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डाउन गिराओ, नीचे वाला जो है ये माइनस दिशा, ये भी है, ठीक है, तो ये माइनस दिशा, ये माइनस दिशा, ये प्लस, ये प्लस,
क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं, माइनस दो खाना चलना है, जो पहले लिखा हो x, जो बाद में लिखा हो y, जो पहले लिखा हो x पे चलना है, बाद वाले को y पे चलना है, तो माइनस दो x पे चलेंगे। तो ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष होता है, तो इस पे माइनस दो यानी एक दो इधर, ठीक है, यहाँ पर, और चार गो प्लस लिखा है तो y पे चलिए भाई, प्लस की दिशा में y पर, एक दो तीन चार, ये ठीक है ना। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई चल रहा है और यहाँ से कोई चल रही है, या यहाँ से कोई आ रहा है यहाँ से कोई आ रही है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहीं चौराहे मिल जाएंगे ना, बोलिए, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, माइनस दो चार, क्या हो गया ये, माइनस दो कामा चार। अब इस पे आओ, पहले x तब y, ए बी सी डी पढ़ोगे तो पहले x आएगा तब ना y आएगा, तो पहले x यानी तीन खाना, x अक्ष की कौन दिशा है, प्लस तीन है, तो इधर चलेंगे x पे, एक दो तीन यहाँ पे, और माइनस वन यानी y पे, y का माइनस दिशा नीचे है तो यहाँ पे वन है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ से और यहाँ सीधे सीधे चलना, यहाँ से कोई लड़का जा रहा है, यहाँ से कोई लड़की आ रही है, दोनों कहाँ मिलेंगे, इस चौराहे पर, तो इसी बिंदु को बोलेंगे तीन कामा माइनस एक, तीन कामा माइनस एक। अब इस पे आ जाओ, माइनस वन जीरो, ठीक है, माइनस वन एक्स पे, एक्स पे यानी इधर माइनस वन, वाई पे जीरो यानी कहीं नहीं जाना, वाई पर जाना ही नहीं है, तो ये जो बिंदु है जिसको मैंने एकदम मोटा कर दिया, ये माइनस वन कामा जीरो है, ये क्या है बेटा, माइनस वन कामा जीरो है, समझ में आ रहा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, प्लस वन टू यानी एक्स पे प्लस वन, वाई पे प्लस टू यानी वन, वाई पे प्लस टू यानी एक, एक्स पे यहाँ आ गया, वाई पे प्लस टू यानी प्लस दिशा में दो को जाओ, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे वन कामा टू, माइनस तीन माइनस पाँच, एक्स पे माइनस तीन, एक दो तीन, एक्स है ना ये वाला, एक दो तीन, और माइनस पाँच वाई पे माइनस पाँच, वाई वाला ये नीचे है ना माइनस दिशा, एक दो तीन चार पाँच। अब अंतिम बिंदु है, तो मान लीजिए कैटरीना यहाँ से आ रही हैं और सलमान यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आते 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 दोनों से मुलाकात कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहीं पे लगेगा गाना बजने, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु क्या कहलाएगा, माइनस तीन कामा माइनस पाँच, माइनस तीन कामा माइनस पाँच। हमने तो अभी कार्तीय तल के ऊपर अपने बिंदुओं को दर्शाया, अब स्थिति बताना कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, पहला सवाल पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, माइनस दो कामा चार, माइनस दो कामा चार कहाँ है, यहाँ है। अब चतुर्थांश कितना होता है, चार, अगर आपको गिनने नहीं आता तो मैं गिन के बताता हूँ कैसे, किस स्टाइल में चतुर्थांश गिनते हैं, किसी के सामने चुपचाप जा कैसे खड़ा हो जाओ, ठीक है, खड़ा हो गया, हाथ उठा लो, उठ गया, अब इस दाहिने हाथ से पहले मारो यहाँ पे एक मुक्का, एक मुक्का, तो पहला जब मुक्का गिरेगा तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब जब हाथ उठ गया है तो और ऊपर उठाओ ऐसे, इधर आ जाओगे तो ये दूसरा चतुर्थांश, और जब आप इस तरीके से चलना शुरू कर दिए तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। तो जब यहाँ से चलना शुरू कर दिया, हाथ उठा लिए तो उठ गया इधर, इधर आ गया, फिर इधर गिरेगा, फिर तीसरा चतुर्थांश, फिर ऐसे चलेगा इधर, चौथा चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश गिनने का तरीका। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब बताना माइनस दो कामा चार यहाँ है तो ये इधर वाला कौन चतुर्थांश है, देखो ये लिखा है, कौन है, दूसरा चतुर्थांश,
लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। और माइनस तीन का मैं एक खोज लीजिए, कहाँ पर आपने दिखा, यहाँ पर, ये कौन वाला चतुर्थांश, देखो देखो इसके पास चौथा, तो लिखेंगे तीन कामा माइनस एक, तीन कामा माइनस एक चौथे चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश लिख सकते हो चाहे चौथे चतुर्थांश में है। कक्षा नौ के बच्चे बड़े ही ढंग से समझना, गलती मत करना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा चिल्ला, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल, माइनस वन जीरो ये कहाँ है खोज लीजिए, यहाँ है, इसी पर है, ये यहाँ लिखा है, लेकिन ये कहाँ, ये है ना तीर से मैंने देखिए दर्शाया है, यहाँ जगह नहीं थी, तो ये ना पहले में है ना दूसरे में है ना तीसरे में है, ये किस पर है, यक्ष अक्ष के माइनस दिशा में है, तो लिखेंगे यक्ष अक्ष की ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक यक्ष अक्ष पर है, यहाँ लिखेंगे क्या माइनस दिशा यक्ष अक्ष पर है, लिखेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है, ठीक है। चौथा बिंदु कहाँ है भाई, चौथा ये हो गया, एक दो खोजिए कहाँ है, यहाँ है, ये कौन वाला है पहला, लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और पांचवा में आ जाते हैं, पांचवा बिंदु माइनस तीन माइनस पाँच, हाँ माइनस तीन माइनस पाँच ये किस में है मैं नहीं बताऊंगा, ये देखो यहाँ है, ये कौन वाला है कमेंट में इसका उत्तर लिख देना। हम पूछ रहे हैं आपसे कि माइनस तीन का माइनस पाँच किस चतुर्थांश में है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं ना और समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर कमेंट में लिख देंगे, हिंदी में लिखना, ठीक है। चलो भाई चलो, हो गया पहला सवाल, हो गया हो गया। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, बहुत अच्छा है वो भी, अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है, मैंने बोला था ना, देखो कहता, ध्यान से देखिए, आप भी सवाल देखिए। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित करने का मतलब हुआ कार्तीय तल पर आप दर्शा दीजिए, बात साफ साफ यही है। तो होगा कैसे, एक बार मैं भी यहाँ पे बगल में लिख लेता हूँ, ठीक है, बगल में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यस, कितना, एक दो तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः हो गया, ठीक है। चलिए छोटा छोटा मैंने बनाया, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये एक्स है, ये वाई है, माइनस दो है आठ है, माइनस एक है सात है, जीरो है माइनस वन पॉइंट टू फाइव है, और एक तीन है, और तीन माइनस एक है। चलिए ध्यान से देखिए, करना क्या है एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए भाई, चित्र बना के ये दर्शा देना, साफ साफ बात यही है। तो कुछ लोग चित्र ये वाला बनाते हैं, इसे इसे, ये बड़ा ताम झाम, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन खींचा जा रहा है ना, दिमाग को विचलित कर देने वाला चित्र बन जाता है। तो जो लोग ऐसे वाला बनाएंगे उनका भी सही रहेगा, वो भी सही तरीका होता है, और जो मैं फ्रेश फ्रेश बनाऊंगा वो भी सही है। तो सवाल ये दूसरा है, तो इसमें भी पहले वही इंतजाम कीजिए भाई, इतना बराती आएंगे तो कितना खाना बनवाएंगे, बात वही है, वही एग्जाम्पल, वही तरीका, समझ गए ना, कि मान लीजिए कहीं कोई कहते 1000 बराती आएंगे तो कितने आदमी खाना बनाओगे, तो भाई 1000 आएंगे तो 1100 का इंतजाम कीजिए, कहीं खाना घटे ना बढ़ भले जाए। तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे ये सब में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, सबसे बड़ा अंक मुझे लगता है आठ है, आठ से बड़ा इसमें कोई नहीं है, तो हम आठ आठ लाइन वाला खाना बनाएंगे भाई, आठ है तो आठ से एक ज़्यादा, नौ, आठ दिया ना इसमें, तो हम नौ नौ खाना का
एक लाइन खींचने वाले हैं, तो ये आपका वाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है। चलिए तो आठ को इस पे बना दीजिए, इस पे भी आठ को, ऊपर भी आठ, इधर भी आठ, समझ गए ना। क्यों जरूरी है आठ? क्योंकि यहाँ आठ दिया है, तो मैंने कहा उससे एक ज़्यादा बनाओ, घाटे में बढ़ जाए भले, तो नौ नौ का बना लीजिए, क्या क्या गलती थोड़ी हो जाएगा। नौ नौ का बना लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इधर भी आ जाए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। कोशिश रहे कि ये सब एक बराबर दूरी पर हो। मान लो मैं तो अंदाज से खींच रहा हूँ, तो मेरा कम ज़्यादा हो सकता है। आप छात्र हो, आप अंदाजिया खींचोगे तो ज़्यादा कम ज़्यादा मतलब गड़बड़ होने का ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो भाई आप स्केल लेकर खींचना, मैं तो वैसे खींच दिया हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा है वीडियो के अंदर भी ऐसे भी। अब मैं इसको ये सब दिखाता हूँ। कहता है एक्स पे माइनस दो चलेंगे तो वाई पे आठ चलना है, एक्स पे माइनस दो चलेंगे तो वाई पे आठ चलना है। तो दिशा तो मैंने आपको पिछले साल में बताया, इधर वाला प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डायरेक्शन एक्स अक्ष का, और ये एक्स डैश का माइनस डायरेक्शन, ये वाई अक्ष का प्लस डायरेक्शन, ये वाई डैश का माइनस डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करना भाई, एक्स पे माइनस दो को चलिए, इधर ना माइनस है, एक दो पा गया याद रहे, ये माइनस दो है। वाई पे आठ को चलो प्लस वाले में आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये चलेगा और ये चलेगी, मुलाकात कहीं होबे करेगा, तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कौन बिंदु मिल गया, माइनस दो कामा आठ, माइनस दो कामा आठ, ठीक है। अब मुझे माइनस वन एक्स पर और सात गो वाई पर, ये एक्स पे माइनस वन ये हो गया, और एक दो तीन चार पाँच छः सात गो वाई पे प्लस में, ये भी चले, चलो तुम भी मेरा मुलाकात करो, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ जगह कम होने के नाते इसमें मैं घुसेड़ करके अगर लिखूँगा माइनस वन का मसाद तो अच्छा नहीं लगेगा, इस नाते मैं तीर बना दे रहा हूँ इस बिंदु को लिखने के लिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस वन का मसाद, ठीक है भाई, समझ गए। अब तुम जीरो चलो, एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई अक्ष पे माइनस 1.25 मतलब एक से थोड़ा ज़्यादा, मतलब दो रुपया, पहले के ज़माना में चवन्नी चलता था ना, तो एक रुपया और एक चवन्नी यानी सवा रुपया, तो ऐसे सवा खाना चलना है सिर्फ वाई पर, लेकिन ये कौन दिशा है, माइनस दिशा वाई का, तो नीचे की तरफ, तो ये तो एक हो गया, ऐसे थोड़ा आगे यानी थोड़ा आगे यहाँ पे भाई, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस 1.25 है ना, तो जीरो का मा माइनस 1.25, ठीक है। और एक और तीन, एक्स पे एक चलेंगे वाई पे तीन, एक्स पे एक खाना प्लस दिशा में, प्लस एक है ना, वाई पे तीन खाना प्लस में, एक दो तीन इधर, तो यहाँ पे है बिंदु, मिला दो, दो दिलों को मिलाइए, चाहे दो लोगों को मिलाइए, चाहे दो दुश्मनों को मिलाइए, एक का मत तीन यहाँ लिख दीजिए, क्या ये 1.3, ठीक है, 1.3 लिखा हूँ, थ्री अगर दिख रहे ना दिखाई दे साफ साफ तो सुन लो, ये तीन लिखा, तीन मिटा देता हूँ, तीन है,
और तीन खाना प्लस एक्स पे और एक खाना माइनस वाले वाई पर, ये वाई लिखा है ना, तो तीन को चलिए 1 2 3 और एक खाना वाई पे यानी यहीं पे, ठीक है। तो एक खाने चलो 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 यहाँ 1 2 3 और ऊपर से नीचे यहाँ, ये देखिए ना भाई, ये बिंदु है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, 3 - -1, ठीक है। तो दर्शाने का काम तो जबरदस्त हो गया, दर्शाने का काम जबरदस्त हो गया। ये है चित्र, और ये विचित्र चित्र आप अगर देख के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, समझ के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। काफ़ी मज़ा आया बनाते समझाते हुए। आप कमेंट करके बताना ये सब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा, बताओगे तब ना हम आगे उस तरह से बनाएंगे वीडियो, बताओ यार। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।